ओम शांति, नमस्कार। हाय, आई एम डॉक्टर अभिषेक। नाउ वी आर हियर फॉर डिस्कस कार्ड स्प्रेडिंग, वेरियस कार्ड स्प्रेडिंग ऑफ टैरो कार्ड। सो आवर प्रीवियस सेशन वी ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज अ कार्ड मीनिंग, हाउ टू स्प्रेड अ कार्ड, हाउ टू शफल अ कार्ड। सो ऑल थिंग्स वी ऑलरेडी लर्न, वी ऑलरेडी डिस्कस। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग विद यू अ कार्ड वेयर वेरियस कार्ड स्प्रेड। यू ऑल आर नोस वी आर need to spread a tarot card for reading. And when we spread a tarot card, there is a different ways. Generally they are used six ways, which are very common and very powerful spreads. And one other additional that you are seeing here, one is additional spread which we are written here, is a six card spread. We will discuss what is this in last. So now we start. There is a six card spread. First is a one card, second is a two card spread, and three is a three card spread, and fourth is a cross spread, a Celtic card spread, and is a horseshoe spread, and is an astrological spread. So now we are discuss what is this and how we spread this. So now we discuss, if you are beginner, so please use only three card spread techniques. Only three card spread techniques for you if you are beginner. The one card, two card and three card spread. One card spread for yes or no, simple answer. If your client want to ask his work is gone or not, his work is done or not, yes or no, then you use yes or no for one card. If you need one card also use for, if you need is a yes or no answer, but is a you know yes or no answer, but you need one supportive card, then you use a second card, two card spread. Three card spread is a various use in various way. We will discuss in detail video, don't worry for that. So this is a simple technique and it's big for beginners. If you are beginner, then please use only three techniques. If you learn about something about card spreading, then you use for Celtic cross spread, horseshoe spread, and astrological spread. And six टू कार्ड रीडिंग के बारे में अभी देखिए, आपने देखा ये ऐसे कार्ड एकदम उछल के आया। अगर इसके बारे में भी मैं बताती हूँ, ये एक तरह के सॉर्ट ऑफ जंपिंग कार्ड्स होते हैं। अगर आप कार्ड शफल करते करते कोई कार्ड उड़ के आ जाए या कोई कार्ड आपके हाथ से छूट जाए, या जैसे अब ये कार्ड उड़ के आया देखिए अचानक से, तो ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। तो ये हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड बताता है कि और ज्यादा एनलाइटमेंट, और ज्यादा इंसाइनमेंट के बारे में, यानी कि ज्ञान को और बढ़ाते रहना अपने। जैसे ये इंसान चिराग लेके चल रहा है, तो आज की इस क्लास को मुझे लगता है कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हैं, कोई ना कोई एक तरह का हमें ऊपर वाले का आशीर्वाद है। एंजल्स हमें कह रहे हैं कि क्लास को इसी तरह से जेनरसली आगे बढ़ाया जाए और ज्ञान को प्राप्त किया जाए। तो चलिए, ऊपर वालों का आशीर्वाद है, बड़ा अच्छा कार्ड निकला है, तो ऊपर वाले को का साथ हमें मिल रहा है। तो दूसरे, तो हम आज जानेंगे टू कार्ड रीडिंग कैसे करी जाती है, और उसका थोड़ा सा हम आज डिटेल में लेके चलेंगे। तो जब हम टू कार्ड रीडिंग करते हैं तो दो कार्ड्स निकालते हैं, तो हमने फर्स्ट कार्ड निकाला और हमने सेकंड कार्ड निकाला। चलिए ये देखिए, एक अपने आप ही अगर कार्ड खिसक के आ रहा है तो उस कार्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, अगर हमें उस फर्स्ट कार्ड के साथ साथ हो जा रहा है। अब देखिए, इसमें एक फर्स्ट चीज होती है डू एंड डोंट्स। हमें जैसे मान लो किसी ने हमारे पास, जब क्लाइंट कोई आया, उसने पूछा कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? अब आप सोचेंगे कि बिजनेस के लिए बोले कि कैसे डिसाइड करें, बिजनेस के लिए इस कार्ड को चूज करें कि इस कार्ड को चूज करें, कैसे हम डिसाइड करें? तो आप दो कार्ड रीडिंग में एक कार्ड को जैसे चूज कर सकते हैं डूज के लिए, एक को डोंट्स के लिए, यानी कि काम करना चाहिए। उसने कहा मुझे बिजनेस करने की बड़ी इच्छा है, तो यानी कि बिजनेस करना चाहिए ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है, और बिजनेस नहीं करना चाहिए इस कार्ड को हम लेके फिर डिसीजन लेंगे। और इन दोनों कार्ड्स को रीड करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसको बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा डूज के लिए, बिजनेस डूज के लिए देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। और फिर अगर हम नौकरी की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, अगर नहीं करना चाहिए तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नौकरी का क्वेश्चन उसने नहीं पुट किया है, उसने कहा कि अगर नहीं करें तो क्या होगा, ऐसे कुछ उसने पूछा, करें या नहीं करें। तो हम ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है बिजनेस में थोड़ा समय लगेगा। कप्स का अगर हम देखें तो ये बात करता है कुछ मंथ्स के बारे में,
और ये बात करता है ईयर्स के बारे में, तो कि बिजनेस तो होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, यानी डोंट्स में मतलब कि पैसा की भी जरूरत पड़ेगी, पैसे का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, पैसे के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये डोंट्स का कार्ड है, और साथ में कि एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ये समय लगाएगा पैसा अर्न करने में समय लगना चीजों की, ये नई अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी आप स्टार्ट कर लोगे लेकिन आगे थोड़ा सा आपको पैसे रुपए का अरेंजमेंट अपने साथ रखना होगा। तो इस तरह के डू एंड डोंट्स का कार्ड आपको रीड करने आने चाहिए कि एक डू का कार्ड निकालें कि काम को करने का और एक काम को नहीं करने का, तो एक तो ये कंडीशन हो गई, टू कार्ड रीडिंग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे कि अगर किसी ने पूछा, अगर आपके पास कोई मरीज आता है, कोई अगर हेल्थ का क्वेश्चन आता है कि भाई पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, देखिए हम रियल लाइफ एग्जांपल्स पे लेके चलेंगे कि हम कब कब ये रीडिंग्स कर सकते हैं, रीडिंग्स को कितना एक्यूरेट बना सकते हैं, इसमें रीडिंग की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो कार्ड को समझना, इंटरप्रिटेट करना, कार्ड आपसे बात करे, आपको अपना जो कार्ड की मीनिंग है वो आपको खुद जल्दी से समझ में आने लगे तो, और आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ये चीज हम इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। अब जैसे हमसे कहा गया कि भाई अगर जो पेशेंट है वो बहुत बीमार है तो क्या रहेगा आगे, तो एक हमने लाइफ का कार्ड निकालेंगे, एक हम निकालेंगे डेथ का कार्ड, इस तरह से दो चीज। देखिए लाइफ का कार्ड लॉस का कार्ड दिखा रहा है और डेथ की ओर भी इशारा कर रहा है, डेथ में भी मतलब कि डेथ भी स्ट्रगल करके होगी, देखिए स्ट्रगल है ये, इसमें ये इंसान आप देख सकते हैं साफ साफ स्ट्रगल कर रहा है, तो ये लाइफ जो है बहुत ज्यादा लॉन्गिटिविटी नहीं दिखाई देती है। लॉस का कार्ड है तो लाइफ की भी बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना करें, और डेथ में भी ऐसा लगता है कि इंसान को बहुत स्ट्रगल कर करके डेथ मिलेगी, इंसान बहुत ज्यादा खुद भी परेशान है, इस तरह की ये चीज इंडिकेट कर रहा है। तो रिकवरी होने के चांस अगर हम देखें तो रिकवरी होने के चांस हमें नहीं दिखते हैं, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन इन कार्ड से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन है, जैसे अगर हम थर्ड कंडीशन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में, होता क्या है कि जैसे कोई आपके पास आया और उसमें आपका क्लाइंट है या कोई आपके वेल विशर कोई भी जानने वाले आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ, मुझे भाई मेरा तो काम ही नहीं बन के दे रहा, मेरे सारे काम रुक जाते हैं, क्या है कैसे है मुझे गाइड करो, इस तरह का उसने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको। तो चलिए पहले आप एक कार्ड निकालिए प्रॉब्लम के लिए, दूसरा कार्ड आप निकाल लीजिए सॉल्यूशन के लिए। देखिए तो ये प्रॉब्लम का कार्ड और ये है सॉल्यूशन का कार्ड। अब इसमें क्या चीज देखने वाली बात है कि प्रॉब्लम में ऐसा लगता है कि ये खर्चे ज्यादा, लेडी के खर्चे प्रॉब्लम, कोई लेडी परेशान कर रही है, लेडी ने खर्चे बढ़ा रखे, ये एक्सपेंसेस इनकी जिंदगी में ज्यादा है, इन्होंने जैसे कि होता है कि आप कुछ लोग होते हैं कि अपने औकात से ज्यादा खर्च करते हैं, इस तरह की चीजें दिखती हैं, कहीं इनका पैसा ज्यादा, कह रहे हैं ना प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो ये पैसा कहीं ना कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एक इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी कोई क्लाइंट आता है और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो प्रॉब्लम में जाके देखिए, कार्ड से समझिए कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। क्या कई बार होता है कि आप फ्री में किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो इंसान थोड़ी सी अपनी मन की बातें छिपा भी जाता है, कुछ लोग होते हैं कि टेस्टिंग के लिए भी आ जाते हैं कि भाई चलिए इनकी नॉलेज टेस्ट करके देखें, तो वो अपनी जेन्युइन बात नहीं बताते कि जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स क्यों है कि एक लेडी की वजह से खर्चे बहुत ज्यादा है, किसी लेडी के ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं वो। दूसरी चीज कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इंसान सोचता है कि मैं इनसे अपनी दिल की बात खोलूं नहीं खोलूं, पता नहीं कहीं कह तो नहीं देंगे, एक जेन्युइनिटी एश्योरिटी होती है रीडिंग में कि आप जो क्लाइंट के लिए रीडिंग कर रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो कई बार खुलने में हिचकिचाते हैं, तो आप लेकिन कार्ड के माध्यम से उन्हें एश्योरिटी भी दिला सकते हैं और उनके मन की बात जान सकते हैं। अब देखिए हमने ये जाना था कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज जीवन में आएंगी, थोड़े वीक्स थोड़े से समय का इंतजार करें तो इस तरह से अपने आप ही हालात इनके सुधरेंगे कुछ समय में, और उनको कोई रेमेडी सजेस्ट करिए। जैसे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नंबर वन वन सूर्य की रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी देगी, इस तरह की चीजें आप कर, इस तरह से आप टू कार्ड रीडिंग उनके लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, जैसे कि नाउ और लेटर, एक ये टॉपिक आता है नाउ और लेटर में क्या होता है कि किसी ने पूछा मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा आगे क्या रहेगा, तो सॉरी इसमें जैसे नाव और लेटर में हमने निकाले दो कार्ड, एक नाव और एक लेटर, तो जैसे हमने देखा कि काम बनेगा, अभी बनेगा, अब देर से बनेगा, कब बनेगा, क्या है। अब जैसे काम बनने में जैसे हमें कह सकते हैं कि कोई क्लाइंट ने पूछा कि मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था तो वो मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, क्या रहने वाला है, तो आप अपने मन में थोड़े से अजम्पशन रखिए कि नाव और लेटर,
तो नाउ का हमने देखा कि रिजल्ट क्या आएगा, इसने ये, एक तो ये कार्ड आया, लेटर में आया हमारे पास ये कार्ड। जब आप दोनों कार्ड्स खोल लेंगे उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करके तब आप चीज को डिसाइड करेंगे। नाउ में बताता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चीजों को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, इंटरव्यू की तैयारी आपने अच्छी करी इंटरव्यू के रिजल्ट्स में, लेकिन अभी वेटिंग है, इस तरह की चीज दिखती है। और लेटर में लगता है कि आप किसी की गाइडेंस के साथ में अपने आप को पॉलिश कर करके, होता क्या इंटरव्यू देते देते भी इंसान को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, एक ग्रोथ होती है दूसरों की, एक तरह से आप जब इंटरव्यू फेस कर करके अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, आपको समझ में आता है कि मुझे क्या गलतियां नहीं करनी। ये एम्परर का कार्ड भी यहाँ यही बताता है, एम्परर का कार्ड आपको गाइड करता है कि यानी कि अगर आपके साथ कोई, अगर आपके फादर है तो वो आपको बोलेंगे बेटा यहाँ गलत हो, यहाँ मत, ये चीज आप गलती मत करना है। आपके बड़े भाई होंगे, आपका कोई सीनियर होगा, वो भी आपको इसी तरह गाइड करेगा कि गलतियां मत करो, क्या करना चाहिए उसके बारे में वो आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह से करते करते अगर लेटर की बात करें तो लेटर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकता है, चाहे भले किसी और इंटरव्यू में सिलेक्शन हो लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने एक और टू कार्ड रीडिंग जानी हमने। अब देखिए टॉपिक को समझना, टू कार्ड रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बता रही हूं, एक जैसे हमने यस नो रीडिंग हमने समझी थी, दो कार्ड्स निकालेंगे इस तरह से, दो कार्ड, दोनों कार्ड कहीं से भी निकाल सकते हैं। यस नो रीडिंग, जैसे कि अगर हम किसी काम को बनवाना चाह रहे हैं, टॉवर का कार्ड आ गया। अब अगर हम जैसे यस नो रीडिंग में हम कहते हैं कि क्या मेरी डील साइन होगी, अगर हम ये पूछ लें यस और नो, यस में आ गया टॉवर का कार्ड। टॉवर का कार्ड मतलब ये जो डील करने वाला इंसान है, जो सामने आपको प्रपोजल लेके खड़ा है, वो बैकआउट कर जाएगा, वो आपसे डील साइन नहीं करेगा, वो आपको टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो आपका, वो डील साइन नहीं होगी, नो है आंसर। अब अगर ये चीज के अब नो का कार्ड हम देख रहे हैं, नो का कार्ड कह रहा है और मेहनत करो, अभी और आपको वेट करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, ये अभी आपको थोड़ा टाइम फ्रेम दिखा रहा है, ये आपको मेहनत करने को कह रहा है। लेकिन आपने पूछा कि कोई डील, पर्टिकुलर डील पे आप वर्क कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर काम कर रहे थे, और किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपको आशा थी कि वो डील पर्टिकुलर साइन हो जाएगी, क्या उसके लिए आंसर नो है। और आगे क्या रहने वाला है, आगे यानी कि आप मेहनत जो कर रहे हैं उसके बलबूते पे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये बताता है। अब नेक्स्ट आती है कि लॉजिकली वर्क करें कि इमोशनली। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि किसी ने पूछा कि जो मैं काम कर रहा हूं या मेरा जो कोई पर्सन है वो, उसके साथ मुझे कैसा रिश्ता रखना चाहिए, या जैसे कोई कुलीग है तो या पार्टनर है उसके साथ में क्या सोचता है वो, क्या इमोशनल रिश्ता है या लॉजिकल रिश्ता है, यानी कि हम उसके साथ ये हमें धोखा तो नहीं देगा या ये आगे कोई हमारे लिए काम करके दिखाएगा, कुछ भी इस तरह लॉजिकल और इमोशनल। तो हमने दो कार्ड निकाले, एक लॉजिक की बात करने वाला, एक इमोशनल कि कल मुझे जो डिसीजन लेना है या उसके बारे में, सामने वाले पर्सन के बारे में मुझे क्या थॉट्स बनाने चाहिए। तो ऐसे में ये कहता है लॉजिकल कि आप ये फैंटेसी में है, आप जरूरत से ज्यादा उस पर विश्वास कर रहे हैं, फैंटेसी की बात कर रहे हैं, एक हैप्पी, देखिए एक हैप्पी, और ये लोग बड़े कंफर्टेबली, इनके पीठ भी पीछे है, इनका पीठ जो बैक है वो हमारी तरफ है। जब भी बैक किसी का हमारी तरफ होता है तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज बनते हैं, या कई बार आपको थोड़ा सा जैसे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, कार्ड थोड़ा सा इस चीज को इंडिकेट करता है। और अगर हम बात करें कि ये लॉजिकल की और एक इमोशनल की, तो पैसे का इमोशन ज्यादा दिखता है, पैसे से लगाव ज्यादा दिखता है। अगर आप लॉजिक की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड है, वो आपसे बहुत ज्यादा इमोशनल रिश्ता नहीं रखा हुआ है, लॉजिकली बात कर रहा है। और पैसे रुपए की, इमोशनल की बात करें तो पैसे रुपए का इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आपका पार्टनर है तो वो आपसे कह रहा है कि वो लॉजिकली वर्क करेगा लेकिन ब्लाइंड फेथ ना करें, और इमोशनली आप उससे टच ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन ना रखें, पैसे का उसका इंटरेस्ट बना हुआ है, वो पैसे के लिए आपके साथ है। अब नेक्स्ट टाइप की हम देखते हैं टू कार्ड रीडिंग में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि लव हेट की, अगर हम पूछते हैं कि किसी कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, लव हेट उसके मन में क्या है, एक लव का कार्ड निकाल लीजिए, एक हेट का कार्ड, कि अगर मेरा लवर मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या उसके मन में क्या फीलिंग है, लव की फीलिंग है कि हेट की फीलिंग है। तो हमने कार्ड निकाला और एक ही हेट का कार्ड निकाला। लव का कार्ड निकाला मतलब यानी कि वो स्ट्रिक्ट है, वो लव भी करता है लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी है, वो आपका भला चाहता है, वो आपको गाइड करता है, डोमिनेंट है, थोड़ा मैच्योर है, लेकिन हेट की फीलिंग उसके अंदर नहीं है। हेट का कार्ड खुद ही नेगेटिव आ गया, यानी कि हेट की फीलिंग नहीं है उसके अंदर, लव की फीलिंग है लेकिन डोमिनेंसी उसकी आदत है, उसकी नेचर है। तो वो उसको जैसे होता है कि बड़े फादर फिगर की तरह समझाना, या होता है कि अगर लेडी है आपके जीवन में, आप जेंट्स हैं, तो वो एक डोमिनेंसी है कि मैं सही बोल रही हूँ, मुझे सही पता है, मैं सही जानती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता, इस तरह का व्यवहार आपको मिलेगा लव के मामले में। लेकिन हाँ, हेट की फीलिंग में अगर हम देखें तो उसके मन में आपके टुवर्ड्स कोई हेट नहीं है। चलिए
अब नेक्स्ट देते हैं कि अगर कि किसी इंसान को ये देखना हो कि मेरी कोई भी चीज मिलेगी या नहीं, तो चलिए आइए देखते, एक कार्ड निकालिए फाइंड का, एक निकालिए लॉस का। तो जैसे हमने फाइंड का कार्ड निकाला तो जजमेंट, और लॉस का कार्ड निकाला तो ये आया। तो ये जजमेंट कहता है कि अगर कोई भी चीज है तो वो आपकी जैसा आपका कर्म होगा उसी हिसाब से चीज आपको मिलेगी, यानी कि आपकी जो कोई चीज खो गई है अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको जरूर मिलेगी, नहीं अच्छे होंगे तो नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक मेबी टाइप का आंसर देता है। लूज की बात करें तो लूज में ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी चीज लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि आपको थोड़ा सा रीडिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, कार्ड पॉजिटिव जरूर है लेकिन लॉस्ट के लिए आया है, तो लॉस्ट के लिए ये बताता है कि लॉस्ट हो गई है चीज, तो यानी कि ये पैसे रुपए का आपको ये नुकसान है, ये लूज हो चुकी है। हो सकता है कि अगर हम एक कार्ड और निकालें फर्दर या इसको और डीप में जाएं तो ये किसी फ्रेंड के पास जा चुकी है चीज, या किसी वेलविशर के पास जा चुकी है जो कि उसे मालूम नहीं है, लेकिन ये लूज हो चुकी है, आप उससे पूछ नहीं पा रहे हैं, तो ये किसी ना किसी रूप में खो चुकी है चीज, ये इस तरह से दिखता है। अब अगर हम देखते हैं कि कोई चीज है कि वो आगे बढ़ेगी या पीछे हटेगी, जैसे कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव, जैसे अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्ट, जैसे हमने पूछा कि हमारा बिजनेस आगे कैसा रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा में कि आप मेहनत कर रहे हैं आपको फल जरूर मिलेगा, और घटेगा की बात करें तो घटने का चांस नहीं दिखता, क्योंकि घटने में ये कार्ड इस तरह से बता रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, आप वर्क भी करते रहेंगे, आप उस चीज को बढ़ावा देते रहेंगे, उस पर मेहनत करते रहेंगे, तो आपको ये कार्ड इंडिकेट करता है कि ये चीज बढ़ेगी। ये हालांकि दिखाता है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होना, लेकिन फिर भी ये आपकी जो आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं वो उसको पीछे नहीं होने देंगे, तो ये इस चीज को दर्शाता है। और अगर हम बात करें कि क्या मुझे किसी चीज के साथ रहना चाहिए, अगर आपका क्लाइंट ये क्वेश्चन पूछता है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं क्लाइंट्स के कि भाई क्या मुझे जैसे अगर कोई पुराना मकान है, प्रॉपर्टी है, लेट्स से कि उसको मेंटेन करना चाहिए, रहना चाहिए, ये अपनी जिंदगी में से निकाल देना चाहिए, तो जैसे हम कह सकते हैं कि रखें या ना रखें। दो कार्ड हमने निकाले, तो ये हो गया एक रखने का स्टे का कार्ड और एक होता है निकालने का कार्ड। ये बताता है स्टे के